जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये वाला जो वीडियो है, और आज दिनांक बता दूं, आज 8 सितंबर और वार है रविवार। हम बात करने वाले हैं सोयाबीन के ऊपर। अभी काफी मुद्दे चल रहे हैं, आप सभी को विदित है, आप सभी जानते भी है, और जो मुद्दे चल रहे हैं वो कहीं से कहीं तक कोई गलत मुद्दा नहीं चल रहा है। बात करते हैं मुद्दे की, तो जो सोयाबीन है वो आज की तारीख में 3,500 से 4,000 रुपए के आसपास बिक रहा है। अच्छा है तो 4,500 या 4,500, ज्यादा। अब सवाल यहाँ उठता है कि क्या इतने कम रेट में बिकना, क्या हम हमारी लागत भी निकाल पा रहे हैं? तो सीधा सा अर्थ यही है, सीधा सा जवाब यही है कि हम उसकी लागत तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ किसान भाई तो नुकसान में ही है, कुछ किसान भाई बराबर में है, तो कुछ किसान भाई थोड़ा बहुत उसमें कमा पा रहे हैं। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो किसान भाई वास्तविकता में नुकसान में ही है। अब आखिर है नुकसान में तो क्या किया जाए? बड़ा सिंपल सा ही है, जो अभी आजकल चल ही रहा है कि भाई MSP जो है वो 6,000 आप कर दो, दैट्स इट। कम से कम 6,000 का भाव किसान भाई को मिल जाना चाहिए। और देखिए, ये मेरे हिसाब से संभावना है कि ये सरकार के हाथों में है, क्योंकि आपने आयात करना शुरू कर दिया ऑयल का, तो यार ये तो गलत है, किसी भी कीमत पे गलत है, जो कि मेरे पास खबरें आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, सोच रही है, क्योंकि आज सोयाबीन के अलावा अगर देखा जाए प्याज लहसुन में भाव मिल रहे हैं, हम मान रहे हैं चीज, और आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं कि उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, जितना कम हो सके उतना हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आप सभी से, किसान भाइयों से मेरा बोलना है कि देखिए, आपको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, लेकिन सही तरीके से, शालीनता के साथ, कोई गलत मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े सिंपल से विचारधारा वाले लोग हैं, हमको कोई राजनीति से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमारी विचारधारा सिंपल है कि बस सरकार हमारी बात समझ ले, हमारी इस बात सुन ले कि हम नुकसान में चल रहे हैं। तो बस उनसे यही मेरा अनुरोध है कि जो किसान भाई है, बस वो जाते हैं कि उनको, बस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो सोयाबीन है उसमें 6,000 MSP कर दी जाए, ताकि किसान भाई जो कम से कम अपनी लागत के साथ थोड़ा बहुत अपनी कमाई को भी निकाल सके। क्योंकि देखिए, अगर किसान खुशहाल नहीं है इस देश में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग खुश रह पाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर इस भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर तरक्की का हकदार अगर कोई व्यक्ति है, तो वो किसान है। और आज देखा जाए तो उसकी कंडीशन खराब है, और इसके लिए तमाम तरह की चीजें, अब तो केंद्र में हमारे शिवराज मामा भी बैठे हुए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मामा जी, आपने बहुत सोचा है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम किया, और किसानों के आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े आइडियल हो। किसानों के मान के चलिए कि वो किसान भाई तो कभी कभी आपको उस चीज से तुलना करते थे, एक मूवी थी अनिल कपूर की, उसी से तुलना करते हैं आपको कि हमारे तो शिवराज मामा है भैया। तो जब मामा जी आप वहाँ बैठे हो केंद्र में, तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि थोड़ा किसानों को संज्ञान में लीजिए, किसानों को देखिए। आप तो खुद किसान के बैठे हो, आप तो सबको पता है, आपको तो आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। और मोदी जी भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक गरीब परिवार तबके से ही निकले हुए हैं। तो मेरा आप सब, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच पा रहा है, तो ये मेरा वीडियो नहीं है, आप ये मान के चलिए किसानों की आवाज़ है। क्योंकि न जाने कितने किसान, जब मैं वीडियो बनाता हूँ किसानों से रिलेटेड, तो जब वो मुझसे बात करते हैं कि भरत भाई सोयाबीन के ऊपर भी आप कुछ कीजिए, सोयाबीन के बारे में भी कुछ कीजिए, तो मेरा एक ही उनसे प्रश्न रखता है कि देखिए, मैं कुछ क्या कर सकता हूँ, बस मैं आपकी आवाज़ आगे तक ले जा सकता हूँ, उसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। और आगे तक जाएगी या नहीं जाएगी मुझे ये भी नहीं पता है, बस अगर आपने कहा है कि भरत भाई के ऊपर आपने विश्वास किया कि भरत भाई इस बारे में कुछ बोलेंगे, तो वो चीज़ मैंने बोल दी है। अब देखिए, मेरा तो यही बोलना, मैं तो बड़ा सिंपल सा सभी किसान भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि MSP कम से कम आप 6,000 कर दीजिए, ताकि उससे किसान भाई अपना लाभ उस सोयाबीन में ले सकें जो आज वो नुकसान में चल रहे हैं। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं कि आखिर किसान की क्या कंडीशन है, तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो खुश रहेगा तो ये मान के चलिए कि हमारा भारत देश खुशहाल रहेगा। क्योंकि जिस धरती माँ को वो सींच रहे हैं, अगर वही जिस धरती माँ को सींचने वाले ही अगर कुछ नहीं है, तो हमारी माँ भारती कौम कैसे कुछ कर सकते हैं? तो अगर माँ भारती कौम को कुछ करना है, अगर धरती माता को कुछ करना है, भारत माता को कुछ करना है, तो उस किसान को खुश करना पड़ेगा।
और वो तभी हो पाएगा जब उसको उसकी फसल का वाजिब दाम मिल पाए। मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि 6000 MSP कर दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।